एंटमैन पार्ट वन के स्टार्ट होते ही हमें एक इंडस्ट्री दिखाई जाती है जहाँ पर एक साइंटिस्ट ने कोई केमिकल बनाया था, लेकिन उस इंडस्ट्री के बाकी साइंटिस्ट भी उस केमिकल को चुराना चाहते थे। तो उस केमिकल को बनाने वाले साइंटिस्ट इस बात से काफी तंग आ जाते हैं और वो कंपनी ही छोड़ देते हैं। तो ये था सारा पास्ट का सीन। अब हम प्रेजेंट की तरफ आते हैं। अब उस साइंटिस्ट की अपनी कंपनी होती है और उसकी एक बेटी भी होती है, लेकिन उनकी बेटी उनसे कहती है कि डैड, आप बूढ़े हो गए हैं, मैं और मेरा कुलीग इस कंपनी का ख्याल रख लेंगे। जिन दिनों साइंटिस्ट कंपनी नहीं आ रहे होते तो उनकी बेटी और उसका कुलीग मिलकर एक ड्रेस तैयार करते हैं, एक येलो कलर का ड्रेस जो कि बिल्कुल एंटमैन की तरह था। वो इस ड्रेस का गलत यूज करने वाले थे। वो इस ड्रेस को ज्यादा कीमत पर बेचकर बहुत जल्द अमीर होना चाहते थे, जो कि सरासर गलत था। दूसरी तरफ हम इस मूवी का मेन कैरेक्टर देखते हैं जिसका नाम स्कॉट होता है। वो काफी चोरियां किया करता था और इसीलिए काफी सजा काट कर आ रहा था। वो जाकर अपनी बेटी से मिलता है जो कि बहुत प्यारी होती है, लेकिन उसकी वाइफ अब उससे सेपरेट हो चुकी थी और उसने कहीं और शादी कर ली थी। स्कॉट को अपनी जिंदगी किसी तरह तो गुजारनी थी ना, तो वो जॉब्स ढूंढने लगता है, लेकिन कोई भी उसे जॉब नहीं देता कि तुम्हारा तो क्रिमिनल रिकॉर्ड है। वो काफी परेशान हो जाता है और अपने दोस्त से मिलने जाता है। उसका दोस्त कहता है कि तुमने तो पूरी कोशिश कर ली ना जॉब्स ढूंढने की, अब इसमें तुम्हारी तो कोई गलती नहीं कि कोई तुम्हें जॉब नहीं दे रहा। तुम अच्छे से जानते हो कि चोरी कैसे करनी है, तो तुम दोबारा से चोरियां ही शुरू कर दो। तो स्कॉट कहता है कि हाँ यार, जिंदा रहने के लिए अब ये करना तो पड़ेगा। स्कॉट का दोस्त उसे घर के बारे में बताता है कि यहाँ पर एक ऐसी चीज है जिसे पाकर तुम बहुत अमीर हो जाओगे। स्कॉट काफी एक्साइटेड था। वो उस घर में जाता है। वो वहाँ का लॉकर तोड़ता है तो देखता है कि ना तो वहाँ पर कोई पैसे हैं और ना कोई जेम। वहाँ पर एक सूट था, एंट मैन सूट। वो अपने दोस्त से कहता है कि ये क्या बेकार चीज है, मुझे लगा था कि यहाँ पे कोई कीमती चीज होगी। और इतनी ही देर में वहाँ पर पुलिस भी आ जाती है। उसे फिर से अरेस्ट कर लिया जाता है और एक जेल में लेकर आया जाता है, जहाँ पर उसे उसी केमिकल को बनाने वाला साइंटिस्ट मिलता है। वो उससे कहता है कि कोई बात नहीं, डरो मत, ये मेरा प्लान था कि तुम उस ड्रेस तक पहुँचो और उसे ट्राई करो, क्योंकि मैं ये जानना चाहता था कि तुम उस ड्रेस के लिए सूटेबल हो या नहीं। उस ड्रेस की क्वालिटी ये थी कि उसे पहनकर आप अपना साइज बदल सकते थे, यानी बड़े भी हो सकते थे और छोटे भी। तो अब जिस लोकर रूम में स्कॉट होता है, वहाँ पर कुछ चूंटियाँ वही एंटमैन का ड्रेस लेकर आती हैं, जिसे स्कॉट फौरन से पहन लेता है और जेल से बाहर आ जाता है। वो सीधा वहाँ से उसे साइंटिस्ट के पास जाता है। तो साइंटिस्ट उसे बताता है कि मेरी बेटी ने सेम ऐसा ड्रेस तैयार किया है, लेकिन येलो कलर में, जो कि और ज्यादा एडवांस है। वो उसे बेचना चाहती है, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, क्योंकि उसने मेरी रिसर्च को यूज करके ही वो बनाया है। मैंने तुम्हें इसलिए चूज किया कि तुम उसके पास जाओ और वो ड्रेस मुझे लाकर दो। स्कॉट उस साइंटिस्ट की बात मान लेता है, क्योंकि उसने उसकी हेल्प की होती है जेल से बाहर आने में। और वो सीधा उसी इंडस्ट्री में जाता है जहाँ पर उस साइंटिस्ट की बेटी थी। वो स्कॉट को देख लेती है और उसे पूछती है कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो। तो स्कॉट के मुंह से सच निकल जाता है। अब वो साइंटिस्ट की बेटी कहती है कि अच्छा, ऐसी ही बात है, तो सुनो, मुझे रिग्रेट है कि मैंने अपने फादर के साथ बुरा किया। मैंने उन्हें इस कंपनी से इसीलिए दूर किया था ताकि मैं ये ड्रेस बना सकूं। लेकिन अगर वो वाकई कोई ऐसा आदमी ढूंढना चाहते हैं जो कि इस ड्रेस को अच्छे से कैरी कर सकेगा और इसका कैपेबल होगा, तो ठीक है, लेकिन इससे पहले मैं तुम्हें चेक करूंगी और साथ साथ तुम्हें स्किल्स भी सिखाऊंगी कि क्या वाकई तुम उस ड्रेस को पहनने के काबिल हो। तो स्कॉट भी मान जाता है और उससे स्किल सीखने लगता है कि उस सूट को कैसे यूज करना है। साइंटिस्ट की बेटी को अपने फादर के लिए बुरा लग रहा होता है, तो वो अपने फादर से मिलने जाती है और कहती है कि मैं हमेशा यही सोचती रही कि आपकी और मामा की सेपरेशन हो चुकी है और आपके लिए सब कुछ वही केमिकल था, तो आज मैं आपको चांस देती हूँ, मुझे बताएं मामा कहाँ है। तो वो साइंटिस्ट बताता है कि बेटा, तुम्हारी माँ के लिए भी मैंने एक सूट बनाया था और उसको वेस्प कहा जाता था। वो उड़ भी सकती थी, लेकिन एक बार हम एक मिशन पर थे तो उसने अपनी जान बचाने के लिए खुद का साइज बहुत छोटा कर लिया था, लेकिन वो कहीं खो गई किसी ऐसी जगह पर जहाँ से वो बाहर कभी भी नहीं आ सकती, क्योंकि इस ड्रेस का एक रूल है, इसकी एक लिमिट होती है, उस लिमिट से ज्यादा आप अपना साइज छोटा नहीं कर सकते, लेकिन तुम्हारी माँ ने ऐसा कर दिया। मैं आज भी उसे बहुत मिस करता हूँ। यहाँ पर इन दोनों की बातें स्कॉट भी सुन रहा होता है। वो साइंटिस्ट की तरफ बढ़ता है और कहता है कि आपने मुझे इस बारे में कभी नहीं बताया। तो वो साइंटिस्ट स्कॉट से कहते हैं कि मैंने अभी तुम्हें सूट दिया ही कब, ये बात तुम भी अपने माइंड में रखो कि कभी भी अपना साइज इतना छोटा मत कर लेना, वरना तुम खो जाओगे। साइंटिस्ट स्कॉट को बताते हैं कि वो टाइम आ चुका है जब मैं तुम्हें तुम्हारे पहले मिशन पर भेज रहा हूँ, क्योंकि तुमने सीख लिया है एंटमैन सूट को कैसे कंट्रोल करना है। वो उसे कहते हैं कि जिस इंडस्ट्री को मैंने सालों पहले छोड़ा, तुम्हें वहाँ पर जाना है और मेरे लिए एक सीक्रेट डिवाइस को लाना है। तो स्कॉट कहता है कि आप फिक्र ही ना करें। स्कॉट उस इंडस्ट्री की तरफ चल पड़ता है। स्कॉट ने वही रेड और ब्लैक एंटमैन सूट पहना हुआ था, क्योंकि साइंटिस्ट की बेटी के उस कोलीग ने इन लोगों को धोखा दिया और उस इंडस्ट्री के साइंटिस्ट के साथ मिल गया इंडस्ट्री को साइंटिस्ट ने छोड़ा था। स्कॉट उस जगह से वो सीक्रेट डिवाइस ले लेता है।
और तभी उसे पता चलता है कि उस लड़की का कोलीग भी वहाँ पर है, यानी साइंटिस्ट की बेटी का कोलीग, जो कि येलो एंड पेन सूट पर कुछ एक्सपेरिमेंट्स कर रहा है। और इवन उसने उसे बेचने के लिए एक मीटिंग भी अरेंज कर ली है। अब वो आदमी यह सूट उस मीटिंग में प्रेजेंट करने ही वाला था कि तभी एंट मैन अपनी बाकी छोटी छोटी चूंटियों की फौज के साथ वहाँ पर पहुँच जाता है। वो वहाँ के सारे सिस्टम को क्रैश कर देता है और उसी जगह पहुँच जाता है जहाँ पर वो येलो एंट मैन सूट था। स्कॉट जो कि अब एंट मैन था वहाँ पहुँच चुका था। वो स्ट्रेस को चुराने वाला ही था कि तभी वहाँ पर वो कुलीग आ जाता है और उससे कहता है कि मैं जानता था तुम लोग यहाँ पर जरूर आओगे। वो स्कॉट को भी पकड़ लेता है, साइंटिस्ट को भी और साइंटिस्ट की बेटी को भी। स्कॉट जो कि एंटमैन बना हुआ था उसे एक आईडिया आता है। वो अपना साइज छोटा कर लेता है ताकि वो साइंटिस्ट और उसकी बेटी को बचा सके। लेकिन इसी दौरान वहाँ पर एक एजेंट आता है जो कि उस येलो एंटमैन सूट का फॉर्मूला लेके भागने लगता है। लेकिन वहाँ पर एक्सप्लोजिव्स लगे हुए थे जो कि उस येलो सूट को प्रोटेक्ट करने के लिए थे और वो फौरन से एक्सप्लोड हो जाते हैं। स्कॉट साइंटिस्ट को और उनकी बेटी को पहले ही बचा चुका था और वो लोग उस कंपनी से बाहर आ चुके थे। देखते ही देखते वो कंपनी यानी वो इंडस्ट्री डिस्ट्रॉय हो जाती है। अब उस कोलीग ने उस बॉम्ब में अपना वो येलो सूट तो डिस्ट्रॉय नहीं करना था, जाहिर सी बात है उसने कुछ अरेंजमेंट की होगी। उसने वो येलो सूट बचा लिया था और अब वो खुद इसे पहन लेता है। स्कॉट से बात बर्दाश्त नहीं होती और वो फौरन से उसके पास जाता है। अब इन दोनों में लड़ाई होने लगती है। स्कॉट को यहाँ पर ये फायदा होता है कि उसने सीख लिया था कि एंट मैन सूट को कैसे यूज करना है, जबकि उस आदमी को एंट मैन सूट को यूज ही नहीं करना आ रहा था। हालांकि वो सूट ज्यादा एडवांस था तो उसे काफी गुस्सा आता है कि काश मैंने भी स्किल सीख लिए होते। अब उसे जब कुछ नहीं हो पाता तो वो सीधा स्कॉट के घर जाता है। वो उसकी बेटी को पकड़ लेता है उसे इमोशनल ब्लैकमेल करने के लिए। स्कॉटलैंड फौरन से अपने घर आता है। वो उस कोलीग से लड़ने लगता है। उन दोनों में काफी फाइट होती है। तभी स्कॉट को आइडिया आता है कि क्यों ना मैं खुद को छोटा करके इसके अंदर चला जाऊं, यानी इस येलो सूट के अंदर जाके इसका सारा सिस्टम क्रैश कर दूं। और वो ऐसा ही करता है। उसका प्लान सक्सेसफुल रहा था। उस आदमी का येलो सूट पूरा का पूरा तबाह हो जाता है। लेकिन स्कॉट से यहाँ पर गलती हो गई थी। उसने खुद को बहुत ज्यादा छोटा कर लिया था और वो वहाँ पर जा चुका था जहाँ से वापिस आना पॉसिबल नहीं था, जहाँ पर साइंटिस्ट की वाइफ भी जा चुकी थी। वो काफी परेशान हो जाता है। लेकिन तभी उसे कैप्सूल दिखाई देता है। वो उसे अपने सूट में फिक्स करता है और उसको मूव करने लगता है, जिससे टाइम रिवर्स हो जाता है और साथ ही साथ वो जगह भी स्कॉट को खुद से बाहर निकाल देती है। जब स्कॉट बाहर आता है तो सब बहुत खुश होते हैं और साइंटिस्ट से पूछता है कि तुमने ऐसा कैसे किया, तुम उस जगह से कैसे वापस आ गए। मुझे तुम्हारे ऐसा करने से बहुत खुशी मिली है, तुम जानते भी नहीं हो। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि मेरी बीवी भी वापस आ सकेगी। वो उसे बहुत एडमायर करता है। मूवी के लास्ट सीन में साइंटिस्ट अपनी बेटी को एक जगह पर लेकर जाते हैं जहाँ पर वो उसे एक नया सूट दिखाते हैं जो कि वैस्प का था। वो उसे बताते हैं कि ये मेरी नई इन्वेंशन है। और इसी के साथ यहाँ पार्ट वन खत्म हो जाता है। अब मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी इस मूवी का पार्ट टू जो कि है एंटमैन एंड द वैस्प। तो मूवी स्टार्ट होती है पास्ट के एक सीन को दिखाते हुए जब उस साइंटिस्ट की वाइफ खो गई थी। इस बात को 30 साल बीत चुके थे जब साइंटिस्ट की बेटी बहुत छोटी थी। इनफैक्ट उस दिन इन दोनों को यानी साइंटिस्ट को और उनकी वाइफ को एक मिशन पर जाना था जहाँ पर इनको एक मिसाइल को किसी सिटी पर गिरने से रोकना था। लेकिन क्योंकि वो बहुत बड़ा था तो ये लोग उसे रोक नहीं पा रहे थे। तो साइंटिस्ट की वाइफ ने अपना साइज बहुत छोटा कर लिया ताकि उस मिसाइल के अंदर जाके उसका सिस्टम फेल कर दे। और तब से लेकर अब तक साइंटिस्ट अपनी वाइफ को नहीं ढूंढ सके। ये सब बातें अब प्रेजेंट टाइम में वो अपनी बेटी को बता रहे होते हैं। वो उसे ये भी बताते हैं कि बेटा अब उदास होने की जरूरत नहीं क्योंकि तुम्हारी मदर बहुत जल्द वापस आएंगी। वो उसे स्कॉट की एग्जांपल देने लगते हैं कि स्कॉट भी इसी तरह उस जगह में चला गया था लेकिन समहाउ वो वहाँ से बाहर निकल आया। इसका मतलब तुम्हारी माँ भी वहाँ से वापस आ सकती हैं। अब वो साइंटिस्ट अपनी बेटी से कहता है कि 30 साल हो चुके हैं, लगता है तुम्हारी मदर को ठीक से समझ नहीं आ रहा कि उस कैप्सूल को यूज कैसे करना है। तो हम एक ऐसी मशीन बनाएंगे जिससे बिना छोटे हुए हम उस जगह जा सकेंगे। अब सीन शिफ्ट होता है स्कॉट पर जो कि अपनी बेटी के साथ बहुत खुश था और उसी के साथ रहा करता था। पुलिस ने उसे कहा था कि जैसे कि अब तुम्हारे पास एंटमैन के स्किल्स हैं तो तुम इसे पब्लिक के सामने नहीं लाओगे। अब एक दिन स्कॉट अपनी बेटी के साथ खेल रहा होता है कि अचानक से उसका पांव घर से बाहर आ जाता है। ट्रैकिंग सिस्टम से इस बात की खबर पुलिस को होती है तो वो उसके घर आते हैं। उनके साथ FBI एजेंट्स भी होते हैं जो कि स्कॉट एजेंट्स उसकी भी रहे हैं कि अपने घर में रहे हैं, लेकिन ये हमारी सुनते ही नहीं। तो वो छोटी बच्ची उनसे पूछती है, यानी 3 दिन के बाद मैं जा रही हूं, तुम नहीं जानती कि मैं हाउस अरेस्ट पर हूं। तो वो लड़की कहती है कि तुम इसकी फिक्र नहीं करो, मैंने ऑलरेडी वहां पर किसी को छोड़ दिया है जो कि बिल्कुल तुम्हारे जाने के लिए मशीन बना रहा हूं जहां
मेरी वाइफ कैद है, लेकिन कुछ टाइम चलने के बाद इसके सिस्टम में एरर आ गया और साथ ही मुझे तुम्हारी कॉल आई कि तुमने मेरी वाइफ को देखा है। इसका मतलब कि हमें एक साइन मिला है कि मेरी वाइफ अभी भी जिंदा है और हम उसे बचा सकते हैं, और मैंने यहाँ पर तुम्हें इससे बाहर आ सके हो। अब वो सब मिलके उस मशीन को स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसमें बार बार एरर आ रहा था और वो स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। तो थोड़ा बहुत चेक करने के बाद उन लोगों को पता चलता है कि इस मशीन को चलाने के लिए किसी कंट्रोलर की जरूरत है। अब वो कंट्रोलर जिस आदमी के पास होता है वो लोग उसे मिलने के लिए जाते हैं। अब वो आदमी साइंटिस्ट की बेटी से कहता है कि एक शर्त पे मैं तुम्हें वो कंट्रोलर दूंगा, तुम्हें इस सब काम के बाद अपनी लैब मुझे बेचनी होगी। मेरे पास एक कस्टमर है जो इसके लिए $700 मिलियन दे सकता है। तो साइंटिस्ट की बेटी कहती है कि क्या तुम लोग हमें खरीद रहे हो, मैं अपनी लैब को कभी नहीं बेचने वाली। और वो वहाँ से बिना कंट्रोलर लिए ही आ जाती है, लेकिन वहाँ से निकलने से पहले वो वही वैस्प सूट पहन लेती है जो कि उसके फादर ने बनाया था, और वो डिवाइस चुरा लेती है तो क्रॉस कर सकती है। और एंटमैन और वैस्प में भी एबिलिटी थी कि वो अपना साइज छोटा या बड़ा कर सकते थे। अब इन दोनों में काफी ज्यादा फाइट शुरू हो जाती है और ये अपनी एबिलिटीज और स्किल का यूज करते हुए एक दूसरे से काफी लड़ती है, लेकिन लगता है कि वो गोस्ट काफी ज्यादा स्किलफुल थी। वो साइंटिस्ट की बेटी से वो कंट्रोलर वापस ले लेती है और उनके लैब को भी कंट्रोल कर लेती है। अब साइंटिस्ट के हाथ में कुछ भी नहीं रहा था तो वो काफी अपसेट हो जाते हैं। तो वो साइंटिस्ट कहते हैं कि एक प्रोफेसर मेरा दोस्त है और जब मेरी वाइफ उस जगह पर गुम हो गई थी तो उसने और मैंने मिलकर काफी कोशिश की थी कि किसी तरह से मेरी वाइफ को उस जगह से वापस लाया जाए। हो सकता है कि अब वो मेरी हेल्प दोबारा करते। अब वो तीनों उस प्रोफेसर के पास जाते हैं। बस क्या कर रही है, तुम लोग एक साथ मिले हुए हो क्या? तो वो प्रोफेसर उनसे कहता है कि रुको, मैं तुम्हें सारी बात बताता हूँ। वो प्रोफेसर साइंटिस्ट से कहता है कि याद है हम कितने अच्छे दोस्त हुआ करते थे, लेकिन तुम्हें ये लगने लग गया कि तुम्हारा बनाया गया केमिकल दूसरे साइंटिस्ट चोरी कर रहे हैं। तुमने उन पर ब्लेम लगाया, तो एक आदमी ने जो कि तुम्हारा ही दोस्त हुआ करता था उसने गुस्से में आकर तुम्हारे खिलाफ प्लानिंग शुरू कर दी, लेकिन इस बात पर उसे भी इंडस्ट्री से निकाल दिया गया कि अगर सब लड़ते ही रहेंगे तो रिसर्च कैसे होगी। तो उसने अलहदा से इस चीज पर रिसर्च शुरू कर दी कि वो भी एक सूट बना सके, और मैं भी उसके साथ मिल गया। लेकिन एक दिन उस लैब में बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ जिससे सब लोग मारे गए, सिर्फ एक छोटी बच्ची वहाँ पर बची जिसका नाम गोस्ट है। मैंने ही इसका ख्याल रखा इसलिए अब मेरे साथ है। तुम लोगों को ये लग रहा होगा कि ये असल की गोस्ट है, लेकिन नहीं, इसे एक डिजीज है जिसमें से बहुत पेन होता है। तुम इसके बारे में गलत मत सोचना, क्योंकि इसने तुम लोगों की लैब इसलिए चुराई क्योंकि खुद को ठीक करना चाहती है। ये बेचारी तंग आ चुकी है इस डिजीज से। लेकिन जब इंडस्ट्री वालों ने इसकी ये एबिलिटीज देखी तो उन्होंने इसकी इन एबिलिटीज को अच्छे से यूज करना सिखाया और इसे अपने साथ शामिल कर लिया और इसको एक एडवांस सूट भी दिया। लेकिन इसने बहुत किलिंग्स करना शुरू कर दी और उस दौरान हमारी लैब भी डिस्ट्रॉय हो गई थी, तो मैं इसको लेकर यहाँ पर आ गया और अब हम एक साथ काम करते हैं। उस प्रोफेसर ने इन तीनों को बांध रखा था। अब ये तीनों परेशान थे क्योंकि इन्हें किसी तरह से अपनी लैब वापस चाहिए थी। ये किसी गोस्ट के लिए अपनी लैब को लिमिट नहीं कर सकते थे। तो ये तीनों वहाँ से निकल आते हैं, एक फॉरेस्ट में जाते हैं और अपनी लैब को बड़ा कर देते हैं और उसमें काफी एफर्ट्स डालकर वो उस मशीन को दोबारा से स्टार्ट कर देते हैं। और अब की बार उस मशीन में कोई एरर नहीं आता तो वो सब काफी खुश हो जाते हैं। अब वो मशीन उस जगह पर कोई सिग्नल्स भेजती है जिस वजह से साइंटिस्ट की वाइफ और स्कॉट आप इसमें कनेक्टेड हो जाते हैं। जिन एरर्स की वजह से साइंटिस्ट की वाइफ इस दुनिया में नहीं आ पा रही थी, स्कॉट उन सब एरर्स को सॉल्व कर देता है। लेकिन तभी कोई पुलिस क्वीन को उन साइंटिस्ट की लोकेशन भी दे दी जाती है, तो वो सब मिलकर उधर फॉरेस्ट में आते हैं और साइंटिस्ट को और उसकी बेटी को अरेस्ट कर लेते हैं। उस दौरान स्कॉट अपने घर गया था, लेकिन वो भी वहां पर आ जाता है और उन दोनों को बचा लेता है। वहां पर वो गोस्ट भी आ चुकी थी जो उनसे लैब दोबारा छीन लेती है, लेकिन स्कॉट जो कि अब एंटमैन था उससे वो मशीन वापस लेता है और वो साइंटिस्ट उस मशीन में बैठकर उस जगह चले जाते हैं जहां पर उनकी वाइफ होती है। उधर जाते ही उनकी मशीन का और उनका साइज काफी छोटा हो चुका था। उधर वो अपनी वाइफ के लोकेशन का पता लगाने लगते हैं, लेकिन आसपास बहुत सारी चीजें मूव करी थी और ऐसा करना काफी डिफिकल्ट था। दूसरी तरफ वो गोस्ट भी उस लैब को लेकर भाग रही होती है क्योंकि उसके पास वो लैब को वहां से चुरा लेता है और एक शिप में ले जाता है। लेकिन एंटमैन यहाँ पर एक अच्छा काम करता है, वो अपना साइज काफी बड़ा कर लेता है और पानी में जंप लगा देता है। वो फौरन से शिप के पास जाता है, ढूंढ रहे होते हैं और फाइनली उन्हें अपनी वाइफ यहाँ मिल चुकी थी। साइंटिस्ट अपनी वाइफ को उस मशीन में बिठा लेते हैं और दूसरी तरफ स्कॉट और साइंटिस्ट की बेटी ने भी उस लैब को अपने पास ले लिया था। वो उस लैब का साइज बड़ा कर देते हैं और अब साइंटिस्ट और उनकी वाइफ वहाँ से बाहर आने वाले थे। जैसे ही वो बाहर आते हैं तो वहाँ पर गोस्ट भी होती है। साइंटिस्ट की वाइफ उसे देखती है तो कहती है मैं समझ सकती हूँ कि तुम्हें ये डिजीज कितनी पेन दे रही है।
वो उसका हाथ पकड़ती है और देखते ही देखते उस गोस्ट की डिजीज ठीक होने लगती है और वो दोबारा से एक नॉर्मल इंसान में बदल जाती है। यानी कि साइंटिस्ट की वाइफ के पास ये अच्छी एबिलिटी थी, लेकिन पुलिस अभी तक यहाँ पर थी और इन सबको पकड़ना चाहती थी। लेकिन स्कॉट को एक आइडिया आता है, पुलिस वहाँ ही लग जाती है और उनको टैकल करने की कोशिश करती है। लेकिन स्कॉट ने तो यहाँ पर एक ट्रिक यूज की थी और इसी दौरान बाकी लोग यानी साइंटिस्ट, उनकी वाइफ और उनकी बेटी वहाँ से भाग जाते हैं और फिर स्कॉट यानी एंड मैन भी अपना साइज काफी छोटा करके वहाँ से भाग आता है। स्कॉट जब अपने घर जाता है तो साइंटिस्ट और उनकी वाइफ भी एक साथ बहुत खुश थे और साइंटिस्ट की बेटी अब स्कॉट के साथ रहने लगी थी और उसने उसकी बेटी को भी एक्सेप्ट कर लिया था। यहाँ पर यह मूवी हैप्पीली एंड होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गुड बाय।